नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन में ही आपके ऑफिशियल डेटा आ जाएंगे कि कितना कट ऑफ गया है, लेकिन फिर भी अभी मन में कौतूहल बना हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए हर एक जोन का कट ऑफ क्या होगा। तो आप ही के डिमांड पे लास्ट बार ये कट ऑफ का वीडियो है। क्या होता है कि एक नया ऊर्जा आ जाता है कट ऑफ के, अगर हम पार होते हैं, कट ऑफ के नीचे होते हैं तो झलझलाहट होती है, गाली पड़ती है। तो देखिए, मैंने ये जो कट ऑफ है वो मैक्सिमम रखा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा है पेड कट ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है कि इससे ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और हमने ये वाला कट ऑफ एवरेज जो लेवल है उसको देख के रखा है, यानी कि किसी का टफ भी आया होगा, किसी का कम भी आया होगा। टफ आया होगा तो ऑब्वियस 2-3 नंबर नीचे ही रहेगा, और टफ ईजी आया होगा तो हो सकता है 1-8 नंबर ईजी ही समझिए मान के रखा है, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, नीचे ही जाएगा। तो देख लेते हैं, ये आपके फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए कोलकाता का UR में 56, 56 से नीचे 52 जा सकता है, 56 से 57 नहीं जाएगा, ये 100% लिख के ले लो। ठीक है, अगर जाता है तो आप मान के चलो कि कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई है, तभी जा सकता है। जेन्युइन बंदे 56 से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, मतलब कि लाएंगे वो तो सॉरी लाएंगे, उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि 56 से मैक्सिमम जा सकता है, कि उससे ऊपर 57-58 कट ऑफ नहीं जाएगा आपके UR का फिजिकल के लिए। OBC की हम बात करें, 54, EWS का 52 और SC का 50, ST का आपके 48। और ये वाला जो कट ऑफ है वो ईस्टर्न रेलवे का है। ठीक है, कोलकाता में ही दो जोन है, आप देखेंगे कोलकाता साउथ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे 56, 54, 51, 49, 47। उसी तरीके से अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई सेंट्रल रेलवे है, और एक मुंबई नीचे मैं लिखा हूँ वेस्टर्न रेलवे। तो वेस्टर्न रेलवे का 56, 55, 54, 46, 43 आप देख लेंगे। EWS, OBC, SC, ST सबको मैंने अलग कर दिया। एक PWD वाले भी कैंडिडेट जो है वो अक्सर डिमांड करते रहते हैं कि सर हमारा कट ऑफ क्यों नहीं बताते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है ना, PWD कैंडिडेट में भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं OH हैं, PH हैं, विजुअल इम्पेयर्ड, मतलब कि तरह तरह के हैं, तो उनके बारे में सटीक इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती है, जिसकी वजह से मैं हाँ कट ऑफ पुराने ट्रेंड के अकॉर्डिंग EWS के थोड़ा सा नीचे ही रहता है, क्योंकि उसमें भी कंपटीशन है। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे मतलब कि जो कहावत एक है ना, कि जो जिसे भगवान दिव्यांग बनाया है वो मानसिक तौर पे काफ़ी मजबूत होता है, फिजिकली तौर पे वो भगवान ने उसे दिव्यांग बनाया, लेकिन मेंटली तौर पे वो काफ़ी अच्छे सॉलिड होते हैं, तो उनका कट ऑफ भी ठीक ठाक ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, PW जो कैंडिडेट हैं उनकी मैं बात कर लूँ तो। चलिए, मुंबई सेंट्रल की मैं बात कर रहा था, 54, 52 OBC का, और अगर हम बात करें EWS का तो 50 जाएगा, और अगर SC की बात करें मुंबई सेंट्रल में तो 47 है, और ST की बात करें तो 45 जाएगा। देखिए, ये नंबर मैंने रा नंबर लिखे है, ध्यान देने वाली बात है, ये रा नंबर है, और हमेशा से इस बात पे मैं जोर दे रहा हूँ कि ऐसा मैंने क्यों लिखा है। कई बच्चे आएंगे कमेंट करेंगे कि 80 से कम नहीं जाएगा, 85 से कम नहीं जाएगा, 90 से कम नहीं जाएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियस है कि 75, 70 से कम नहीं जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, मैं रा नंबर बोल रहा हूँ, लेकिन जो कट ऑफ जाएगा वो नॉर्मलाइज मार्क्स जाएगा। जब आपके कट ऑफ 76 जाएंगे, 75 जाएंगे, 72 जाएंगे, तब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, नीचे आके गाली देंगे कि सर आपने तो 52 बोला था, 54 बोला था, यहाँ तो 74 गया है। तो भाई, इस कंडीशन को आप नहीं उस समय ध्यान देते हैं कि मैंने रा नंबर बोला है और जो नॉर्मलाइज नंबर है वो 75 जाता है कट ऑफ। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये चीज़ें मुझे सुननी पड़ेगी, मुझे पता है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा बहुत सारे लोग सुनाएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइज और ये रा नंबर और परसेंटाइल सबको वो एक ही मान लेते हैं, उसके बाद कमेंट करेंगे। तो हालांकि बहुत सारे पढ़े लिखे हैं जो कि इस बात को समझते हैं कि क्या चीज़ें बोली जा रही है और क्या
एक्चुअल में शो होगा। चलिए ठीक है, बहुत सारे ही एक दो ही लोग ऐसे हैं जो कमेंट इस तरीके से करते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है या रा नंबर है या परसेंटाइल है, किस तरीके के चीज़ें हैं। चलिए तो उसी तरीके से अगर हाजीपुर की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसमें कट ऑफ जाएगा, आप लिख के ले लो 100%। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जाएगा, वो वजह ये है कि सभी बिहार में आपको भी पता है कितना क्राइसिस है जॉब की। और रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में मुझे लग रहा है कि कम से कम तो 40 या 35% जितने भी कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट होते हैं, 35 से 40% जो है वो बिहार के ही हैं रहते हैं। 35 तो मिनिमम आप मान के चलो कि बिहार के ही सेलेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियस है कि जो बिहारी बाहर भी सेलेक्ट होंगे, कहीं जॉब कर रहे होंगे, वो टेक्नीशियन को भी छोड़ के यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे 2-4 हज़ार नीचे हम चले जाएंगे, लेकिन चले आते हैं। वो अलग बात है, रेजिग्नेशन डायरेक्ट देना पड़ेगा उनको, एनओसी नहीं मिलेगा। चलिए तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाजीपुर 60 से तो नीचे मुझे नहीं लग रहा है किसी भी कीमत पे 60 से नीचे हाजीपुर का रहेगा। चाहे तो आप कितना भी फाइट कर लो, कितना भी इजी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन, मैटर यहाँ पे नहीं करता है। 60 से नीचे यूआर का हाजीपुर में दिख नहीं रहा है मेरे को चांस, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बाकी आप लोग भी शानदार जानदार दिमागदार हैं ही, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कितना जा सकता है। ओबीसी की 58, ये हाजीपुर में 55 जाएगा, ईडब्ल्यूएस का, एससी का 52 और एसटी का 50। उसी तरीके से भुवनेश्वर की हम बात कर लेते तो भुवनेश्वर में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 56, 55, 53, 50, 46। अलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे भी 59 से 60 के अराउंड जाएगा, और गोरखपुर में भी 60 के अराउंड जाएगा। ये तीनों जोन ऐसा ना, उसमें इलाहाबाद में इन तीनों की हम कंपैरिजन करें, इन तीनों की कंपैरिजन करें तो इलाहाबाद नीचे जा सकता है, गोरखपुर सेकंड पे रह सकता है और हाजीपुर फर्स्ट पे रहेगा। और अगर हम बात कर लेते हैं भुवनेश्वर की, तो मैंने बता ही दिया इलाहाबाद की 58, 56, 52, 48। गोरखपुर की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर गोरखपुर 61, यहाँ पर 59 और 57, 49, 47। जयपुर की बात कर लेते हैं तो ये भी ठीक ठाक जोन है, 59। ये मैंने मैक्सिमम लिखा है, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इससे कम ही जाएंगे, ठीक है। 2-3 नंबर इसमें आप मान के चलो कम ही जाएंगे। जयपुर में 58, 57, 49, 46 और गुवाहाटी में इस बार काफ़ी कम जाएगा, 55 मैंने सफिशियंट लिख दिया, 52 से ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल में, 53। ओबीसी की हम बात करें तो 50 भी जा सकता है, 51, 46, 42। दिल्ली ठीक ठाक जोन है तो यहाँ पर 57 जाएंगे, 55, 53, 47, 43। उसी तरीके से सिकंदराबाद आप देख लीजिएगा, मैं एक एक चीज़ पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, बाकी लगभग का मैंने सुना ही दिया। तो आशा करते हैं इस कट ऑफ से ज़्यादा ही नंबर आएंगे। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि इससे 2-3 नंबर कम है तो आपका नहीं होगा, डिपेंड करता है आपका शिफ्ट कैसा है। शिफ्ट अगर तगड़ा है तो 5-5 नंबर इससे कम में आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने कट ऑफ बनाया है वो ईजी शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, टफ वाले मान के चलो कि 2-4 नंबर नीचे ही जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं जल्द ही रिजल्ट आए और इस कटअप को आप क्लियर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।